नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे अपसेट बट वेल्डिंग के बारे में। यह एक ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है और प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आती है, और इस टाइप की वेल्डिंग में हम किसी भी प्रकार के फिलर मेटल का इस्तेमाल नहीं करते। अपसेट बट वेल्डिंग इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं दोनों वर्कपीस के ऊपर, तो उस दौरान जो वर्कपीस होता है उसकी लेटरल डायमेंशन इंक्रीज हो जाती है और उसे ही हम अपसेटिंग कहते हैं। और इस टाइप की वेल्डिंग से सिर्फ बट ज्वाइंट ही बनाना संभव होता है, इसलिए इसको अपसेट बट वेल्डिंग भी कहा जाता है। अब बात आती है कि जो हम इसमें इक्विपमेंट यूज करते हैं, इस टाइप की वेल्डिंग में जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है वह फ्लैश बट वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट की तरह ही होता है। और जब हमें बार, रोड, ट्यूब्स, प्लेट्स, पाइप्स या वायर्स इत्यादि को एंड टू एंड ज्वाइन करने की ज़रूरत होती है, तभी इस टाइप की वेल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। अपसेट वेल्डिंग हम तभी प्रयोग करते हैं जब हमें इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले वर्कपीस को ज्वाइन करना होता है। और इस टाइप की वेल्डिंग को करते समय जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं उसमें जो कंपोनेंट होते हैं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। इस वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की मदद से हम लो वोल्टेज और हाई एम्पियर्स के करंट को, हाई करंट एम्पियर को इसमें अप्लाई किया जाता है। दो क्लैंप इसमें लगे होते हैं, एक जो फिक्स प्लेट पे लगा क्लैंप है वो स्टेशनरी होता है, जो दूसरा क्लैंप होता है वो इसमें मूव करता है। और यहाँ फोर्स सिस्टम है जिसकी मदद से प्रेशर या फोर्स को अप्लाई किया जाता है। अब बात करते हैं कि इस टाइप की जो वेल्डिंग है इसमें जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम फिक्स जो क्लैंप होता है इसमें वर्कपीस को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद मूवेबल जो क्लैंप होता है इसमें वर्कपीस को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद मूवेबल क्लैंप को हम स्टेशनरी क्लैंप की तरफ मूव करेंगे ताकि हमारा जो वर्कपीस है वो आपस में एंड टू एंड वो जुड़ जाएं। उसके बाद हम करंट को ऑन कर देंगे, हैवी करंट को अप्लाई किया जाता है दोनों वर्कपीस के थ्रू। और जब हमारा करंट फ्लो करता है उस दौरान करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस मिलता है दोनों वर्कपीस के आपस में कॉन्टैक्ट आने से, और जब करंट का फ्लो में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसके कारण हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के बाद हमारा जो वेल्डिंग टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और जब हम वेल्डिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं तो एक प्लास्टिक स्टेज होती है जहाँ पर हम दोनों वर्कपीसेस को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं प्रेशर को अप्लाई करके। और इस टाइप की वेल्डिंग में हमारे जो वर्कपीस हैं वो मेल्ट नहीं होते, सिर्फ प्लास्टिक स्टेज पर आकर उनको प्रेशर अप्लाई करके ज्वाइन किया जाता है। तो कुछ टाइम के बाद करंट को ऑफ कर दिया जाता है और प्रेशर को कंटिन्यूअसली अप्लाई करते हैं। और जब प्रेशर हमारा कंटिन्यूअसली अप्लाई रहता है तो मतलब कि दोनों जो वर्कपीसेस हैं वो अपसेटिंग के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। और कुछ टाइम के बाद हम प्रेशर को रिलीज़ कर देते हैं और जो वर्कपीसेस हमारे क्लैंप में लगे थे उनको अनक्लैंप करके वर्कपीस को रिमूव कर लिया जाता है, और इस प्रकार से इसमें वर्किंग होती है। अब बात करते हैं इस टाइप की वेल्डिंग में जो वोल्टेज अप्लाई की जाती है वह बहुत ही कम वोल्टेज होती है, क्योंकि वोल्टेज का कोई रोल नहीं होता, ज़्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है उसमें अगर आप देखें जो कैपिटल H इक्वल टू आई स्केयर आर टी, एच मतलब कि हीट जनरेट होती है जूल में, आई करंट के लिए है और स्केयर में है, इट मींस कि ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, आर रेजिस्टेंस है जो ओम में होता है, और टी हमारा टाइम ड्यूरेशन है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमने करंट को अप्लाई किया है। तो इसमें बेसिकली वोल्टेज का रोल नहीं है, इसलिए वोल्टेज को बहुत कम रखा जाता है, तकरीबन 2 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच में। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग वोल्टेज का कोई खास रोल नहीं होता, इसलिए हम इसको बहुत कम रखते हैं। और इसके लिए हम एसी वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, डीसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि अपसेट बट वेल्डिंग के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या है। एडवांटेज मेनली कि काफ़ी फास्ट स्पीड होती है क्योंकि सेकेंड्स में यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ईज़ ऑफ कंट्रोल, ईज़ ऑफ कंट्रोल मतलब कि अगर प्रोसेस को देखें इसमें 3 ही प्राइमरी वेरिएबल होते हैं जैसे करंट, टाइम और प्रेशर, तो वही हमें कंट्रोल करने होते हैं, इसलिए इसको ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है। फीवर वेल्डिंग डिफेक्ट, बहुत ही कम वेल्डिंग डिफेक्ट होते हैं, जैसे अगर हम बात करें इनकम्प्लीट फ्यूजन, स्पैटर, सॉलिडिफिकेशन, क्रैकिंग, मोस्टली ये अपसेट वेल्डिंग में नहीं आते।
सिंप्लिसिटी ऑफ इक्विपमेंट, क्योंकि इसमें अगर आप देखें कोई मूविंग पार्ट ज़्यादा नहीं है और इसके जो स्ट्रक्चर है वो भी कॉम्प्लेक्स नहीं है और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम हमें चाहिए, इसलिए हमारा जो इक्विपमेंट है काफ़ी सिंप्लिसिटी में होता है। एबिलिटी टू जॉइन डिफ़िकल्ट टू वेल्ड मटीरियल्स, मतलब कि जिन मटेरियल्स को हमें वेल्ड करने में दिक्कत होती है उनको भी इस प्रोसेस के द्वारा आसानी से ज्वाइन किया जा सकता है। जैसे अलग अलग वैरायटी होती हैं स्टेनलेस स्टील की, सुपर अलॉयज होते हैं। इसके अतिरिक्त इस टाइप की वेल्डिंग में हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन होती है कंपोजिशन रिक्वायरमेंट की, वह भी बहुत कम रहती है। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज ये है कि जब हमें लार्ज पार्ट को ज्वाइन करना होता है तो उस कंडीशन में हमें पीक पावर को, जो पीक पावर की जो सप्लाई है वो हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, मतलब कि जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई हम देते हैं वो पीक पावर पर होनी चाहिए। और दूसरा कि जब हमारा वेल्ड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें उसकी जो क्वालिटी है उसको हमें चेक करना है, तो उसके लिए हमारे पास अच्छी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक की कमी रहती है। ये भी एक मेन डिसएडवांटेज कह सकते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो अपसेट वेल्डिंग ट्यूब्स को ज्वाइन करने में, रोड्स बार वायर्स इत्यादि को ज्वाइन करने में, स्टील रेल की वेल्डिंग के में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट वहाँ पर क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो तकरीबन 6.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर होता है। और जब हमें ट्यूब्स और पाइप की लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी होती है हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन पर, वो भी हम आसानी से इस प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो दो यहाँ पर होलो बार हैं उनको जोड़ा गया है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया अपसेट बट वेल्डिंग, जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है और प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।